आज मैं आपको ये सैंपल प्रॉब्लम वन जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये सैंपल प्रॉब्लम वन जो है मैंने क्लास नाइन्थ की साइंस की फिजिक्स की एस चांद की बुक ली है। आप एस चांद की बुक में पेज नंबर 71 और चैप्टर का नाम है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, तो आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक बुलेट है, आप देख सकते हैं ये बुलेट है, ठीक है ना, ऑफ मास 10 ग्राम, ये 10 ग्राम का बुलेट है, ठीक है, इस फायर्ड फ्रॉम अ गन, और ये बुलेट इस गन से फायर किया गया है, ये जो गन दिख रहा है ना इससे आपको फायर किया गया है, और इस ये जो गन है इसका मास 6 kg का है, ठीक है। तो ये जो बुलेट है जब ये फायर किया गया इस गन से, तो ये बुलेट जो है आगे की तरफ मूव किया किस वेलोसिटी से, 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये गन आगे की ओर मूव किया। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, तो हमें यहाँ पर गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है, पहले मैं ये समझा दूँ आपको, जब गन को फायरिंग किया जाए, जब गन से फायरिंग की जाएगी तो फोर्स लगने की वजह से ये बुलेट आगे की ओर तेजी से मूव करेगा, ठीक है ना। तो जिस फोर्स, जितना फोर्स लगा इस बुलेट को आगे मूव करने के लिए, उतना ही फोर्स से ये गन जो है पीछे की ओर भी जाती है, ठीक है ना। तो जब पीछे की ओर जाएगी तो बहुत बहुत कम स्पीड से पीछे जाती है, तो स्पीड मतलब वेलोसिटी, यहाँ पर समझिए। तो जिस जो फोर्स इसमें लगा उतना ही अपोजिट फोर्स पीछे भी लगता है इस गन पर, और गन पर ये पीछे फोर्स लगने की वजह से ये गन पीछे की ओर मूव करता है कुछ वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी को रिकॉइल वेलोसिटी यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका मोमेंटम का लगेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में दो टाइप का क्वेश्चन है, एक फायरिंग वाला है बिफोर फायरिंग को लेकर है, और एक कोलिजन को लेकर के, तो इसमें यही फॉर्मूला यूज होता है। अगर गन और बुलेट की बात होगी तो उसमें आपका जो फॉर्मूला लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम आप ये लिखेंगे, उसके बाद फायरिंग की बात हो रही है तो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, और जब कोलिजन की बात होगी, मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर इनमें कोलिजन हो गया, तो उसमें भी आपको निकालना पड़ता है कि वेलोसिटी क्या है या मास क्या है, कुछ निकालना पड़ता है। उस केस में जो आप लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तब उस केस में आप लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला दोनों में यूज होगा, बस यहाँ पे वर्ड्स थोड़े से अलग हो जाएंगे। यहाँ पर फायरिंग की बात होगी तो यहाँ फायरिंग लिखेंगे, बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग, और उस केस में आप बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये देखिए ये मेरा गन है, और गन का जो मास दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर गन का जो मास है 6 kg, मतलब ये जो गन है इसका मास क्या है 6 kg, मैं यहाँ पर लिखती हूँ 6 kg, ठीक है। और जो बुलेट है, ये जो हमारा बुलेट निकल रहा है वो उसका मास कितना है 10 ग्राम का है, मतलब ये बुलेट निकल गया है, फायरिंग हो चुकी है, तो इसका मास कितना है 10 ग्राम, ठीक है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, देखिए जब गन से इस गन से बुलेट निकला तो वह किस वेलोसिटी से निकल रहा है भाई, आगे की ओर ये जो बुलेट है मूव करेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी ना, तो ये देखिए वेलोसिटी कितना दिया हुआ 300 मीटर पर सेकेंड, किसका वेलोसिटी, इस बुलेट का, कितने स्पीड से मूव कर रहा है आगे की ओर, देखिए आगे की ओर मूव कर रहा है कितने वेलोसिटी से 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहा है कि ये बुलेट आगे की ओर मूव कर रहा है 300 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो मैंने आपको बता दिया ना कि जिस फोर्स से ये जो बुलेट आगे निकलेगा उतना ही फोर्स इस पर भी लगेगा, देखिए यहाँ पर फोर्स आगे की ओर लग रहा है, ये फोर्स जो बुलेट में लग रहा है फोर्स वो आगे की ओर लग रहा है, इतना ही फोर्स पीछे की ओर लगता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, किस पर लगेगा, गन पर लगेगा। तो जिसके जब फोर्स लगेगा तो ये गन भी तो मूव होगा ना, जब पीछे की ओर फोर्स लगेगा इस गन पर तो ये गन भी मूव करेगा, तो इसकी भी एक वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी को ही रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये गन पीछे की ओर मूव करेगी, पीछे की ओर, लेकिन किस वेलोसिटी से, हमें वही यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर जो बुलेट मूव किया आगे की ओर तो 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो फोर्स इसमें लगा है वही फोर्स इसमें भी लगा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए अपोजिट डायरेक्शन माइनस एफ मैंने यहाँ लिख दिया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से मूवमेंट होगा गन में, तो कितना वेलोसिटी से ये मूव किया वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है, जिसका कि नाम रिकॉइल वेलोसिटी कहा गया है। तो चलिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या क्या होता है, मोमेंटम जो हमारा होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है, और मास हमेशा इसका यूनिट केजी में होना चाहिए, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मास अगर आपका ग्राम में है,
तो उसको आपको केजी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मास ख्याल रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन में मास ग्राम में दे देता है, तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप मोमेंटम निकालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैंने बता दिया, ये यूज होगा टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। तो देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल मोमेंटम का मतलब क्या है, टोटल मोमेंटम किस किस का। यहाँ पर दो ही ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, एक गन और दूसरा बुलेट, यही दो ऑब्जेक्ट है ना, गन और बुलेट की बात हो रही है। तो हमें टोटल मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम का मतलब कि दो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, गन और बुलेट, तो यानी कि हमें गन का मोमेंटम निकालना है और बुलेट का मोमेंटम निकालना है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए बिफोर फायरिंग पर लिखा है, तो मोमेंटम आप समझ गए हमें किसका निकालना है, दो ऑब्जेक्ट है गन और बुलेट, तो गन का मोमेंटम अलग से निकालेंगे और बुलेट का मोमेंटम अलग से निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये टोटल मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन किस केस में टोटल मोमेंटम निकालना है, किस चीज़ का निकालना है, बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग मतलब फायरिंग के पहले। तो देखिए फायरिंग के पहले क्या है कि जब फायरिंग जब नहीं की गई, जब फायरिंग नहीं होगी तब तो ये बुलेट गन के अंदर है ना, जो ये बुलेट है गन के अंदर रहेगी जब फायरिंग नहीं करेंगे। अच्छा जब बिफोर फायरिंग में मोमेंटम क्या होगा ये निकालिए। तो बिफोर फायरिंग में गन का मोमेंटम देखिए मैं यहाँ पर लेती हूँ, मोमेंटम ऑफ गन ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट ठीक है। ये देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग का है, मैंने नीचे लिख दिया है टोटल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ बुलेट, लेकिन किसका, बिफोर फायरिंग। तो मोमेंटम ऑफ गन मास इंटू वेलोसिटी होता है, मैंने फॉर्मूला बता दिया। तो गन का मोमेंटम निकालना है, गन का मोमेंटम, तो बिफोर फायरिंग ध्यान दीजिएगा, बिफोर फायरिंग की बात कर रही हूँ मैं अभी, ठीक है ना। तो गन का मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने बता दिया, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये देखिए गन का मास क्या है, ये देखिए मैंने लिख दिया ना, गन का मास 6 है, तो हो गया 6 इंटू और वेलोसिटी। तो गन का हम मोमेंटम निकाल रहे हैं, तो गन का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास तो मैंने लिख दिया। अच्छा बिफोर फायरिंग, जब फायरिंग होगी ही नहीं तो दोनों तो रेस्ट पर रहेगा ना, तो दोनों रेस्ट पर रहेगी, यानी गन और बुलेट क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में रहने का मतलब क्या है कि कोई वेलोसिटी नहीं, स्पीड नहीं, जीरो रहेगी ना। तो यहाँ पर मोमेंटम ऑफ गन में मास 6 रहेगा और वेलोसिटी तो जीरो रहेगी, ठीक है ना, रेस्ट पर है ना, तो प्लस बिफोर फायरिंग। उसी तरह से देखिए मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट आप बुलेट पर ध्यान दीजिए, इसका इसमें भी मोमेंटम बुलेट का अलग से निकालना है। तो बुलेट का मास क्या है, 10 ग्राम है, देखिए। तो देखिए ये 10 ग्राम मास कितना दिया हुआ, 10 ग्राम, इसको केजी में आपको कन्वर्ट करना होगा। मैंने बता दिया ना कि मोमेंटम में मास होगा आपका केजी में और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो वेलोसिटी तो खैर सही है मीटर पर सेकंड में, लेकिन मास यहाँ 10 ग्राम है। तो देखिए इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जानते हैं कि जो 1 केजी होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, है ना, 1 केजी। तो 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर है, तो 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा, जस्ट ये 1000 इधर डिवाइड में कर देंगे तो ये हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर है, तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/1000 केजी। तो 1 ग्राम का हमने यहाँ निकाल दिया, तो 10 ग्राम का कितना होगा, 10 ग्राम जस्ट इसमें इंटू कर देंगे, यानी कि 10/1000, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 10 ग्राम जो है केजी में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, 10/1000 केजी। तो देखिए बुलेट का मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास मैंने कन्वर्ट कर दिया, वो क्या है केजी में 10/, देखिए मास इसका 10 ग्राम है ना, केजी में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट इसमें 1000 डिवाइड कर दिया, तो 10/1000 केजी, ये केजी में होगी, मैं लिखूंगी यूनिट इंटू, तो ये मास हो गया। और वेलोसिटी, बुलेट का वेलोसिटी क्या है, बिफोर फायरिंग तो बुलेट तो गन के अंदर है, तो इसका वेलोसिटी जीरो रहेगा, फायरिंग बिफोर फायरिंग तो दोनों रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी जीरो रहेगी, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए टोटल में मोमेंटम बिफोर फायरिंग देखिए मैंने निकाल दिया, ये है बिफोर फायरिंग का टोटल मोमेंटम, ये हमारा गन का मोमेंटम है और ये बुलेट का मोमेंटम है, तो दोनों का मास तो सही रहेगा, मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वेलोसिटी दोनों केस में जीरो रहेगी क्योंकि दोनों रेस्ट पर है बिफोर फायरिंग। अब इक्वल टू यहाँ पे लगाइए, इक्वल टू ये जो इक्वेशन है ना, जस्ट इस इक्वेशन के नीचे ही मैं लिख रही हूँ, टोटल मोमेंटम मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, तो यहाँ पर भी देखिए टोटल मोमेंटम आ रहा है, लेकिन कब, आफ्टर फायरिंग। तो टोटल मोमेंटम निकालना किसका है, वही दो ऑब्जेक्ट है हमारा, बुलेट और गन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट, ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, तो टोटल मोमेंटम में तो हमारा गन का मोमेंटम होगा और बुलेट का मोमेंटम होगा, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन आफ्टर फायरिंग की बात हो रही तो यहाँ ख्याल रखिएगा। तो मोमेंटम ऑफ गन वही जस्ट मास और वेलोसिटी ही निकलेगा भाई, गन का मोमेंटम क्या, फॉर्मूला वही मास इंटू वेलोसिटी। तो गन का मास क्या है, देखिए यहाँ पर 6 केजी, तो 6 इंटू, अच्छा गन का मोमेंटम, हमें गन का मोमेंटम निकालना आफ्टर फायरिंग। तो देखिए आफ्टर फायरिंग मैंने आपको बताया, तो मास तो दोनों का सेम रहेगा, मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बिफोर फायरिंग रहे चाहे आफ्टर फायरिंग रहे, मास में तो कुछ कम और ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आफ्टर फायरिंग में मैंने आपको बताया कि आफ्टर फायरिंग के बाद ये गन जो है
पीछे अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा मूव किया किसी वेलोसिटी से, वही वेलोसिटी हमें निकालना। देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि हमें गन के मोमेंटम में मास तो मालूम है लेकिन किस वेलोसिटी से ये मूव किया हम वो तो पता नहीं है ना, वही हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम वी मान लेते हैं, यहाँ पर ये हम वी मान लेते हैं, वी इजकल टू ये भी क्या वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से मूव किया, रिक्वायर वेलोसिटी जिसको कहा जाता है उसको मैंने वी मान लिया। तो गन का मोमेंटम क्या होगा, सिक्स इंटू, और वी तो हमें निकालना है, यही हमें फाइंड करना। तो मैंने यहाँ पर उस वेलोसिटी की जगह वी लिख दिया, ठीक है। फिर क्या प्लस, ये प्लस लगा दीजिए, ये क्या बोला, मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो मोमेंटम बुलेट का भी मोमेंटम निकालना, फॉर्मूला वही एम वी लगेगा। तो बुलेट का मास क्या है, 10 ग्राम, लेकिन आपको आपको उसे केजी में कन्वर्ट करना है। तो केजी में कैसे करेंगे, जस्ट 10 में आप 1000 डिवाइड कर दीजिए तो ये केजी में हो गया, ठीक है, केजी में हो गया। तो ये मास हो गया बुलेट का इनटू, और वेलोसिटी, तो मैंने इसमें वेलोसिटी तो गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना है वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से बुलेट आगे की ओर मूव किया, 300 मीटर पर सेकेंड, तो 300 यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया। तो ये देखिए ये मेरा इक्वेशन बन गया, ये देखिए ये इतना प्लस इतना इक्वल टू 6 इंटू वी प्लस इतना। तो अब इसी को सॉल्व करके मैं वी की वैल्यू फाइंड करनी, तो देखिए यहाँ पर 6 इंटू 0 0 हो गया, प्लस ये भी पूरा टर्म 0 के बराबर हो गया, इक्वल टू, ये इक्वल टू यहाँ लगा दे रही हूँ मैं। फिर क्या 6 इंटू वी क्या हो जाएगा, 6 वी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए क्या क्या कट सकता है, 2 0 ये, 2 0 ये कैंसिल, अच्छा 1 0 ये, 1 0 ये कैंसिल, ठीक है। तो देखिए 6 इंटू वी 6 वी हो गया, फिर प्लस, तो यहाँ तो सब कट गया, तो बच क्या रहा है, केवल 3 और 1, 3 इंटू 1 तो 3 बच रहा है, तो यहाँ पे मैं 3 ले लेती हूँ, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। हम अब देखिए ये 0 प्लस 0 तो 0 हो गया, इक्वल टू ये क्या है, 6 वी प्लस 3, और हम इसको लिख सकते हैं 6 वी प्लस 3, और 6 वी प्लस 3 मैंने पहले लिख दिया और 0 को मैं बाद में, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, वी की वैल्यू। तो 6 वी यहीं पर रहेगा, ये 3 इधर चला जाएगा, तो प्लस 3 है, जब 0 के साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा ना, अच्छा माइनस 3 हो गया। तो हमें चाहिए केवल वी की वैल्यू, तो इसके साथ 6 इंटू में है, तो ये माइनस 3 और ये 6 क्या है, इंटू में है, तो इधर जाएगा माइनस 3 के साइड, तो डिवाइड में चला जाएगा ना। तो 3 × 3 × 3 × 2 = 6, तो वी की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1/2, ठीक है। तो वी इक्वल टू ये माइनस लगाइए, अच्छा 1/2 कितने के बराबर होगा, 0.5 के बराबर होगा, 1/2 डिवाइड कीजिए 0.5 होगा, ये निगेटिव साइन मैंने यहाँ लगा दिया। अच्छा ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यही यूनिट है। तो ये है हमारा रिक्वायर वेलोसिटी ऑफ गन, कहने का मतलब ये है कि देखिए माइनस का मतलब क्या है, ये वेलोसिटी किसका बता रहा है, इस बुलेट का बता रहा है, अरे सॉरी गन का बता रहा है, गन का, ये हमारा गन है ना, इसका वेलोसिटी बता रहा है कि इस वेलोसिटी से, देखिए माइनस 0.5 मतलब कि माइनस 0.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ये पीछे की ओर मूव किया था, ठीक है ना। तो ये माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि हमारा बुलेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और गन जो है हमारा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये निगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आ गया।